काय करता बाई साहब, बालों पे गुस्सा क्यों निकालते हो? देखो ना कितने रूखे सूखे हो गए हैं। जरा देखो तो सही आईने में अपने रूप को। कहा आपका रूप? कहा बाई जी, लोग कहते हैं मैं कड़वा करेला हूँ। हाँ आई मी कड़ू कारल, और बोलती एकदम सच बात हूँ। आपको तो होना था मल्लार राव जी की पटरानी, मगर उम्र में वो बड़ी तो मान सम्मान उनका बड़ा, कल को उनकी सुनबाई महारानी बनेगी। उनका बेटा राजगद्दी संभालेगा, लेकिन लक्षण देखिए छोटे सूबेदार जितने चंचल है वो, उनसे कुछ नहीं संभलेगा। मैं तो कहती हूँ बड़े सूबेदार जी जब भी आपके कक्ष में आए तो उनको अपने रूप के जाल में बांध लेना। फिर आपकी बेटी का पति इस घर का दामाद राजगद्दी संभालेगा। समझ रही हूँ ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? खोटो नहीं बोलो, औरत का रूप क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता। आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, बाई जी जलती है आपके रूप से। तभी तो उस दिन मल्लार राव जी की आरती उतारने के लिए आप आगे आई तो उन्होंने थाल अपने हाथ ले लिया। और हम बाई जी से बैर नहीं ले सकते ना यमुना। देवा देवा देवा, मैंने कब आपको ऐसा करने के लिए कहा? आप तो बस मीठी चूड़ी से काट लेना। अहिल्या और बाई जी के बीच में दरार डाल देना, बस इतना काफी है।